हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाएंगे दो बूंद बूंदों ऐसे बढ़िया नाश्ता सैंडविच को भी टक्कर देने वाला बहुत ही टेस्टी और अलग नाश्ता हम बनाकर तैयार करेंगे और बच्चों को ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टिफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं तो बहुत ही यूनिक नाश्ता बनाकर आज हम रेडी करेंगे और बहुत ही हेल्दी बन तैयार होता है और बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मैंने पे दो टमाटर लिए हैं थोड़ा एक गाज आधा गाजर ली है और आधे एक कैप्सिकम लिया है सभी को मैंने दो दो चम्मच जितना बारीक टुकड़ों में काट लिया है अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्याज प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं हरी वाली प्याज भी डाल सकते हैं और सूखी प्याज भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दी थी यह सभी सब्जियों तो अच्छे से मिला देंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे बंद गोभी का भी यूज़ करते हैं स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस की अकॉर्डिंग आप वेजिस ले सकते हैं तो सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं फिर उसमें मसाला करेंगे तो चटपटा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जितना चाट मसाला और चुटकी भर मैंने सोट लिया है सबको मिक्स कर देते हैं और तो चाहे तो यहाँ काली मिर्च भी डाल सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी और यूनिक नाश्ता हमारा बनकर रेडी होगा तो ये हमारा सब्जी है जो बना हमने रखा था वो रेडी करके रख दिया है साइड में रख देते हैं रेडी हो चुका है तो अब यहाँ दूसरी प्रोसेस हम करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ से आठ से दस पालक के पत्ते लिए हैं हरी भर फ्रेश लिया है धोकर और इसे रफली चॉप करके हम एक मिक्सी को जार में डाल देते हैं इसे ग्राइंड करेंगे तो पहले हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं फिर पानी की जरूरत लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से तो मैंने यहाँ पे दो तो चम्मच जितना पानी डाल दिया है वो जो सके उतना कम पानी डालना वरना हमारा बेटर पतला हो जाता है इसलिए तो यहाँ पे हम एक एक बाउल में निकाल देते हैं अब तैयारी करते हैं नाश्ते की तो यहाँ पे मैंने एक कप जितना सूजी लिया है एक कप सूजी लिया है उसको हम मिक्सी के चार में डाल देंगे और यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप जितना दही लिया है ये फ्रेश दही है उसको भी डाल देते हैं मिक्सी के चार में और उसके सामने हम डालेंगे दो बार आधा आधा एक चौथाई कप जितना पानी यानी कि आधा कप पानी मैंने टोटल डाला है और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम उसे एकदम फाइन पेस्ट बनाकर ग्रेड कर देंगे सूजी है जो थोड़ा मोटा वाला हो तो बारीक हो जाएगा इसलिए हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो और सारा बेटर को हम एक बोल में निकाल देते हैं और बेटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि बेटर कैसा होना चाहिए पर बहुत पतला गोल बनाकर बनाना नहीं है वरना हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा इसलिए जितना हो सके उतना गाढ़ा गोल ही रखना है तो मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कितना गाढ़ा है हमारा गोल तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें गोल बनाना है बहुत पतला गोल बनाकर नहीं रेडी करना है जितना गाढ़ा होगा इतना हमारा नाश्ता ही अच्छा होता है ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ना तो बहुत गाढ़ा है बहुत पतला भी नहीं मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें एक गोल रेडी कर लिया है तो हमारा घोल भी रेडी हो चुका है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन के और यूनिक बनता है तो यहाँ पे मैंने पालक का जो ग्राइंड करके रखा था ना उसमें हम दो चम्मच डाल देंगे और पालक में थोड़ा पानी डाला था इसलिए गोल थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं सूजी क्योंकि पतला गोल होने से हमारा नाश्ता थोड़ा इतना अच्छा नहीं बनता गाढ़ा थोड़ा होता तो अच्छा बनता है तो जितना मैंने पहले गोल को बताया था उसी तरह से ये पालक का गोल बना कर रेडी करना है तो थोड़ा सा पतला है तो अभी इसमें दो चम्मच जितनी सूजी ऐड कर दीजिए यहाँ अब जाएगा एक चौथाई चम्मच जितना बेकिंग सोडा यानी और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट तो दोनों चीज़ हम डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं और वो पालक के जो बैटर बनाया है उसमें भी एक चौथाई चम्मच जितना हम बेकिंग सोडा चुटकी भर सोल्ट डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं फिर अब मैंने यहाँ पर बेकिंग केक की मोल्ड लिया है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि नाश्ता अच्छे से बने नीचे से चिपकना चाहिए तो उसमें पहले हम जो व्हाइट बैटर है वही डाल देंगे सरफेस के ऊपर दो बार हम टेप कर देंगे जिससे कि अच्छे से, से सेट हो जाए उसके बाद हम इसे मैंने यहाँ पे एक पेन चढ़ा दिया है गैस पे उसमें मैंने एक गिलास चीता पानी डाल दिया है पानी उबलने लगा है उसके ऊपर मैंने ये ट्रे को रख देंगे दो से तीन मिनट कवर करके रखेंगे थोड़ा सा वो स्टीम हो जाए उसके बाद इसके ऊपर वो सब्जियाँ डाल देते हैं तो जो हमने काट के मसाला करके सब्जियाँ रखी थी वही हम इसके ऊपर सरफेस के ऊपर डाल देंगे पहले बार आप इस करें इस तरह से बनाएंगे क्योंकि अगर आपने बेटर डालने के बाद डायरेक्ट ही सब्जियां डाल दी तो सब्जियां तले तो पर चली जाएगी इसलिए आपको पहले तीन से चार मिनट इसे स्टीम करके उसके बाद सब्जियां डालनी है और सब्जियां मैंने डाल दी उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा उसका टेस्ट डबल हो जाएगा इस तरह से और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने चीज़ डाला है अगर आप उसकी तो नई खा पसंद है तो आप स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ ये चीज़ डाल दीजिए या तो आलू का मसाला भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो सरफेस से ऊपर अच्छी तरह से सब्जी और चीज़ को फैला देते हैं फिर कवर करके पाँच मिनट हम स्टीम करते हैं पाँच मिनट के बाद अब देख सकते हैं अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज़ तो ऊपर से हम पालक का बैटर डाल देंगे <coughs> तो पालक का पूरा बैटर हम डाल देंगे और उसके ऊपर जो पहले हम सब्जियाँ डाली थी तो हमने दो मिनट तीन मिनट स्टिम करके डाली थी लेकिन ये बीच वाला पार्ट है तो इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है उसको डायरेक्टली हम ऊपर सब्ज़ियाँ डाल देंगे और ऊपर चीज़ भी डाल देंगे तो सब्जियाँ अब हम दूसरे प्रोसेस में मैं सारी सब्ज़ी डाल देती हूँ जितनी है उतनी डाल देंगे जिससे कि नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो सारी सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी कोने कोने पे और इस उसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट कर देंगी और ये नाश्ता यू कलरफुल और बहुत ही अच्छी ला बन के तैयार होता है सैंडविच से भी ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है तो चीज़ हम डाल देंगे अपने हिसाब से आप चीज़ का यूज़ कर सकते हैं चीज़ अच्छे से ग्रेट हो जाए उसके बाद अच्छा हम इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं चारों तरफ और इसे स्टीम होने देंगे पाँच मिनट तक कवर करके फाइव मिनट उसे स्टीम होने देते हैं फाइव मिनट होने के बाद उसका कवर ढक्कन हम हटा देंगे और उसके ऊपर फिर से हम जो बेटर हमारे पास है वही बेटर हम इसके ऊपर डाल देते हैं तो जितना है उतना बेटर मैं इस तब इसके ऊपर डाल देती हूँ अब एक कप तो में से ब, बहुत अच्छा नाश्ता और चार चार लोग आप खा सकते हैं इतना अच्छा बन के तरी होता है इसे हम पाँच से सात मिनट स्टीम करने देंगे सात मिनट के बाद हम कवर हटा के चप्पू से डीप करके चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी नेफ अच्छे से क्लीन निकली है तो इसको निकलने बाहर निकालेंगे लेंगे और जितना ठंडा हो उतना ठंडा होने देंगे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को खाना है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो मैंने यहाँ पर डिमोल्ट कर दिया है जो बच... अभी तो बहुत ही गर्म है तो तब मैंने डीमोल्ट किया था थोड़ा सा क्रैक हो गया लेकिन जितना ठंडा होता है ना उतना नाश्ता अच्छा से निकल डिमोल्ट हो जाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये गर्म था तब भी मैंने डीमोल्ट कर लिया था क्योंकि बच्चे तो उसको लगता है कि मैंने केक बनाया है इसलिए वो जल्दी से खाना है उसको तो मैंने डीमोल्ट कर दिया था तो आप देख सकते थोड़ा सा क्रैक हो गया क्योंकि बहुत ही गर्म है अभी लेकिन ठंडा होने ठंडा हो जाए उसके बाद डीमोल्ट करते तो ऐसा नहीं होता है तो इसे हम एक गैस पे पेन चढ़ा देंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे आधा चम्मच जितना ऑयल डाल के हम फैला देते हैं उसके ऊपर उस हम नाश्ता रख देंगे और वो अच्छी तरह से दोनों तरफ सीख लेंगे गोल्डन कलर आने तक तो. गैस की फ्लेम मैंने अभी मीडियम रख दी है और इस तरह से नाश्ते को रख देते हैं एक साइड सीख जाए उसके बाद उसका पार्ट हम पलट देंगे और आसानी से पलट जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर इतना अच्छा कलर आ गया और अच्छे से सीख गया तो दूसरी तरफ भी इस तरह से हम सीख लेंगे और आप चाहें तो इसमें सफ़ेद व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऊपर से चिली फ्लेक्स डालकर इसे गार्निशिंग भी कर सकते हैं तो नीचे से भी अच्छी तरह से सीख गया तो हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं और इसे सर्व कर देंगे तो आज में इन्हें सॉस के साथ ही से सर्व करें आप ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है खजूर इमली की चटनी हो तो भी चलता है और ये बहुत ही गर्म है तो मैं काट रही हूँ तो मेरा हाथ भी नहीं मैं डाल रही इतना बहुत ही गर्म है और तो मैं काट कर भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन और अच्छा बन के तैयार होता है और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ और पालक डाला है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चों को यह नाश्ता बहुत पसंद आया था तो इसे स्कूल में भी आप दे सकते हैं पिज़्ज़ा से अच्छा है कि एक घर का खाना खाएं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है बीच सैंडविच की तरह है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो तैयार है हमारा सूजी का नया नाश्ता आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन पर भी प्रेस कर देना जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो इस तरह से नई नई वीडियो की रेसिपी आपको तो मिलती रहेगी तो बहुत ही यूनिक और टेस्टी हमारा सूजी का नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत ही पसंद आएगा इतना अच्छा बन के रेडी होता है अगर आपको आपको और मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर